जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा एक प्रश्न आते रहता है कि जब कभी भी हम भगवान के मंदिर में जाएं तो किस प्रकार का पुष्प लेके जाएं? क्या भगवान हमारे द्वारा लिए गए पुष्पों से प्रसन्न होंगे? क्या हम जो पुष्प भगवान के लिए लेके जा रहे हैं, कहीं वो पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए निषिद्ध तो नहीं है? इस प्रकार हम अनेक शंकाओं से घिरे हुए मंदिर में जाते हैं। जब कभी भी भगवान की पूजा आराधना करनी होती है तो उन्हें निश्चित प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मित्रों, हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान गणपति की पूजा आराधना में किस प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, किस प्रकार के पत्र विहित हैं और किस प्रकार के पत्र निषिद्ध हैं। सर्वप्रथम आचार भूषण में लिखे हुए श्लोक के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि गणपति भगवान को कौन से पत्र और पुष्प निषिद्ध हैं। तो आचार भूषण के अनुसार, तुलसीम वर्जित्वा सर्वाण्यपि पत्र पुष्पाणि गणपति प्रियाणि, अर्थात गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, अतः सभी अनिषिद्ध पत्र पुष्प भगवान गणपति पर चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार गणेश पुराण में भी उद्धरण आता है कि किस प्रकार और कौन से पत्र पुष्प गणपति को चढ़ाए जाते हैं। हरिता श्वेत वर्णावा पंचत्री पत्र संयुता दुर्वांकुरा मया दत्ता एकविंशति सम्मिता, अर्थात भगवान गणपति को दुर्वा अधिक प्रिय है, अतः इन्हें सफेद या हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए और जो दुर्वा चढ़ाई जाए ध्यान रखा जाए कि उसकी फुनगी में 3 या 5 पत्ते हों। गणपति पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पद्म पुराण आचार रत्न में लिखा है कि न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी भी नहीं की जाए। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है, गणेशम तुलसी पत्रेर दुर्गाम नैव तु दुर्वया, अर्थात भगवान गणेश जी की तुलसी पत्र से और माता दुर्गा की दुर्वा से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और हम यह सब जानते हैं कि भगवान गणपति को नैवेद्य में लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं और इस बात की पुष्टि की गई है कि गणेशो लड्डू का प्रिय, अर्थात भगवान गणेश को लड्डू सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। मित्रों, यह जानकारी निश्चय ही आपको लाभान्वित करेगी। अन्य देवी देवताओं में किस प्रकार से पत्र पुष्प विहित हैं और निषिद्ध हैं, अगले वीडियो में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।